दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है और सिर्फ बड़ी ही नहीं, बहुत हैरान कर देने वाली ये खबर है। क्योंकि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिन 11 लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था, वो अपने घर से फरार है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्किस बानो के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने बहुत ही चालाकी से छोड़ दिया था, लेकिन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उन 11 बलात्कारियों को फिर से जेल भेजने का फैसला सुनाया। लेकिन खबर ये सामने आती है कि जब एक रिपोर्टर वहां पहुंची उन लोगों से बात करने के लिए, तो पता ये चलता है कि किसी के घर पे ताला लगा हुआ है, किसी के परिवार वाले कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। कोई बता रहा है कि किसी को गए हुए 6 महीना हो गया, कोई बता रहा है कि किसी को गए हुए 8 महीना हो गया। लेकिन उसके बाद वहां पे जब आसपास के लोगों से पूछा गया, जब शॉपकीपर से पूछा गया, दुकान वालों से पूछा गया, तो कुछ और ही निकल कर सामने आया। आसपास के लोगों ने क्या बताया है इन लोगों के बारे में, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो कि बिल्किस बानो के घर का है। बिल्किस बानो के जो आसपास के मोहल्ले वाले लोग हैं, वो किस तरीके से इस फैसले के बाद सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो आप फुल स्क्रीन पे देखिए। बताया जा रहा है कि बिल्किस बानो के केस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और जितने 11 लोग जो 11 बलात्कारी थे उन लोगों को फिर से जेल भेजने का जब फैसला सुनाया, तो उसके बाद गांव वाले पटाखे फोड़ते हुए दिखाई दिए और जो आसपास के लोग हैं वो खुशी मनाते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पे, मेन पॉइंट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 बलात्कारी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऑर्डर सुनाया कि इनको फिर से जेल जाना होगा, लेकिन जब एक पत्रकार उनके घर पहुंचती है तो घर पे कोई नहीं होता है, किसी के घर पे ताले लगे हुए हैं। कोई बताता है कि 15 महीने से गायब है, कोई बताता है कि 11 महीने से यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसमें से एक एक दोषी जिसका नाम है राधे श्याम, जिसके बाप ने बताया कि वो 15 महीने से घर पे नहीं है। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छापा है इंग्लिश में, उसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि लिखा क्या गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, जबकि पड़ोसी और गांव के व्यस्त चौराहे के दुकानदार इसकी पुष्टि करते हैं कि रविवार तक लगभग सभी दोषियों को सार्वजनिक रूप से देखा गया था, जिनमें राधे श्याम भी शामिल था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राधे श्याम के बाप से जब पूछा गया, पत्रकार ने पूछा, तो राधे श्याम के बाप भगवान दास ने बताया कि वो 15 महीने से है ही नहीं घर पे। लेकिन जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो बताया कि सभी लोगों को, सभी दोषियों को देखा गया है सार्वजनिक रूप से रविवार को, जिसमें राधे श्याम भी शामिल था। तो यहाँ से आप खेल जो है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात सरकार ने इन लोगों को बड़ी चालाकी के साथ छोड़ा था, लेकिन एक हफ्ते पहले पहले बताया जा रहा है कि ये लोग शायद अपने घर से गायब हो गए। इन लोगों को ये कहीं ना कहीं मालूम था कि फैसला इनके खिलाफ भी आ सकता है, जिसके बाद से अब ये खबर सामने आ रही है कि ये लोग अपने घर पे है ही नहीं। फिलहाल ये लोग आज पकड़ाए या फिर कल पकड़ाए, 1 साल बाद पकड़ाए, पकड़ाना तो इनको है ही, इनका मुकद्दर बन गया है जेल जाना, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में जरूर दीजिए, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है और सभी लोग जो अपने घर से फरार है, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।